पंजाब में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा संत रविदास बनारस और गुरु गोविंद सिंह पटना के थे, क्या उन्हें भी निकालोगे? आप पर भी किया हमला, बोले कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम पार्टी, वो भी पंजाब में झूठ बोल रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी में प्रचार प्रहार, झांसी में योगी का दंगा मुक्त सरकार का वादा, राहुल प्रियंका पर भी गरजे, कहा मुसीबत में भाई बहन थे गायब। यूपी में करहल सीट पर चुनावी जंग का करंट, अमित शाह बोले करहल में खिला दो कमल, पूरे यूपी में साफ हो जाएगा सपा का सूपड़ा, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी किया प्रचार, बीजेपी और केंद्र पर बोला हमला। कर्नाटक के हिजाब विवाद में हाईकोर्ट में सुनवाई, आज हिजाब मामले पर फैसले के आसार, मैंगलोर के कॉलेज में हिजाब पहनने पर छात्राओं की नो एंट्री। उपग्रह की तस्वीरों ने खोली रूसी दावों की पोल, यूक्रेन की सीमा पर लगातार सैन्य मोर्चाबंदी बढ़ा रहा रूस, पास की नदी पर स्थायी पुल का भी निर्माण। नागौर में कांग्रेस का दो दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप, पीसीसी चीफ डोटासरा ने की शिरकत, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कांग्रेस जिला दफ्तर की रखी नींव। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, नगर परिषद के दो ठेकेदार संजीव भार्गव, रमेश गुप्ता और पार्षद नरेंद्र मीणा ट्रैप, टेंडरों के लिए 5,15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। अब चिकित्सा विभाग के नियंत्रण में 52,000 आशा सहयोगनी, मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दी सहमति, कहा आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान। देश में मेडिकल स्टूडेंट्स की फीस वसूली में नहीं चलेगी मनमानी, निजी मेडिकल विश्वविद्यालय पर नकेल कसने की तैयारी में राज्य सरकार, निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों में फीस निर्धारण के लिए बिल लाने की तैयारी। जैसलमेर के पोखरण में दर्दनाक हादसा, निजी स्कूल की बस पलटने से दो बच्चों की मौत, करीब 25 बच्चे गंभीर घायल।